बाबा जी का यह उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश, बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरु पुरुषयनामि रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जो माँ के पेट में बनते हैं, पल करके बाहर निकलते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तब उस नाम को जगाते हैं लोगों की रक्षा के लिए, फायदा के लिए, तो वो होता है मायक नाम। जैसे आप पे समझो राम नाम था, आप देखो विभीषण के घर पर लिखा हुआ था, लंका जब जला विभीषण का घर बच गया। जैसे कृष्ण नाम था, कृष्ण कृष्ण जिसने जहां पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी की रक्षा किया, लाज बचाया, ग्रह को उबारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे। त्रेता और द्वापर के बाद सतनाम था, वाहे गुरु उन्होंने जगाया, फिर राधा स्वामी नाम आया, फिर हमारे गुरु महाराज उन्होंने जय गुरु नाम को जगाया। नाम कैसे जगाया जाता है आपको ये नहीं पता है कि आप कहां से जुड़े हुए हो। आप उस परमात्मा से जुड़े हुए हो बहुत पतले तार के द्वारा। वही तार जब कट जाता है तब ये शरीर से संबंध खत्म हो जाता है, बस ये धड़ाम से गिर जाता है। जैसे डोरी से पतंग जुड़ी रहती है, उड़ती रहती है, इधर उधर आती जाती रहती है, डोरी जहाँ कटी तहाँ फिर बस पतंग की कोई कीमत रह जाती है, कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसे ही आप पतले तार से जुड़े हुए हो। तो जब महापुरुष को जरूरत होती है नाम जगाने की, तो आप ये समझो कि उसी तार से जोड़ देते हैं परमात्मा के तार से। तार जो जुड़ा हुआ है सबके अंदर, उसी के द्वारा एक दूसरे को पहचानते हो, उसी के द्वारा एक दूसरे तक आवाज आप पहुंचाते हो। तो जिसको आप पुकारते हो नाम लेकर के, यानी समझो कि वो आपकी तरफ देखता है, बोलता है। चार साथी आपके हैं, जिसका नाम लोगे वही देखेगा आपकी तरफ। इसी तरह से इस समय पर जो इस समय भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, शब्द से जुड़ा हुआ है, उस नाम से जब उसको आप पुकारोगे तो तुरंत मदद करेगा। आप समझो वक्त के यानी गुरु की जरूरत होती है, वक्त के मास्टर की जरूरत होती है, वक्त के डॉक्टर की जरूरत होती है। जो चले गए उनसे को हम विद्या पढ़ करके और हम पारंगत हो जाएंगे, जो चले गए उनसे इलाज करा करके हम ठीक हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। समय समय पर नाम होता है, समय समय पर गुरु होते हैं। देखो सब लोगों ने गुरु किया, रामकृष्ण से को बड़े सोट वो गुरु कीन, तीन लोग के जे धनी गुरु आ गया नहीं। गुरु आप ये समझो होते हैं, संत हमेशा धरती पर रहते हैं, सदगुरु रहते हैं। राम के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि रावण को मार सकते, चार वेद 6, 7, 18 पुराण का जानकार था। तीन बुराई उसके अंदर आ गई, मांस खाने की, शराब पीने की, दूसरे की औरत को गलत नजर देखने की, इसीलिए उसका संहार हुआ, नहीं मार नहीं सकता था कोई उसको। राम भी घबरा गए, तब परशुराम से दो कला उन्होंने मांगा और तब उसको मारा था। दया की धार फैलाए हुए थे सुपच, कृष्ण भगवान के आध्यात्मिक गुरु थे वो। जब वो अपनी दया फैलाए हुए थे तब यानी समझो महाभारत का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब बहुत समझाया कृष्ण भगवान ने, कौरव नहीं माने, पांडवों को कुछ नहीं दिया, बात को नहीं माने, तब
उन्होंने कहा संहार कराना जरूरी है। तब सुपर से कहा, कहा प्रभु अब आप अपनी दया की धार को समेटो, तभी इनका विनाश हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दया धार भी उनके अंदर थी और काल भी धार थी, संत में केवल दया धार ही रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा अनि वो रहे हैं। तो आप ये समझो ये जो गुरु नाम है, गुरु नाम को इसीलिए जगाया गुरु महाराज ने और जय जोड़ा, या माने जयमान या माने जो, जो हमेशा रहे, हमेशा गुरु रहते हैं। सतयुग में भी थे, आप समझो कि त्रेता में भी थे, द्वापर में भी। देखो कृष्ण भगवान ने कहा है, आप गीता में देखो लिखा हुआ है चौथे स्कंद में 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी की खोज करो, उनके पास तुम जाओ और उनसे रास्ता लेकर के अपने तीसरी आंख को खोलो, दिव्य दृष्टि को खोलो, तब तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष होगी। पांडव कहे महाराज लेते चलिए, जब उन्होंने कहा हमको हमारा आप जाने का समय हो गया, अब हम जाने वाले हैं, तब पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए, अपने धाम हमको भी लेते चलिए। बोले मैं नहीं ले जाऊंगा तुमको। कहा महाराज नहीं ले जाओगे तो हम तो पूरी जिंदगी आपके शरण में रहे, आपके साथ इसीलिए लगे रहे कि जब आप चलेंगे हमको लेते चलेंगे। बोले औतारिक शक्तियों में वो शक्ति नहीं होती है जीवों को पार करने की, उनका काम धर्म की स्थापना का होता है, ये तो काम संत सदगुरु का होता है। उनकी तुम खोज करो और उनसे रास्ता लेकर के तुम तत्वदर्शी बनो, साधना करो, तब तुम जा सकते हो। तो प्रेमियों आप इस बात को समझो कि गुरु हमेशा रहे, इसलिए गुरु महाराज ने गुरु नाम को जगाया, जय जोड़ा और आगे देव लगाया, देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। और जब गुरु महाराज ने जगाया तो लोगों को बताया कि तुम जब बिल्कुल निराश हो जाओ, कोई रास्ता न हो, कोई विकल्प न हो जान माल की रक्षा का, तब तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, तो उस समय तुम्हारी मदद तो हो जाएगी। खूब आजमाया लोगों ने, खूब देखा, मुसीबत में पड़ गए, कोई सहारा नहीं है। जब अनि नहाने के लिए गए, जब डूबने लग गए, तिनके का भी सहारा नहीं, जय गुरुदेव बोले और तेज हवा के साथ हिलोर आई पानी की और ले जाकर के किनारे लगा दिया। बहुत तरह से परीक्षा लिया लोगों ने। वो तो आप जो पहली बार आए हो, जब सत्संगों में आने जाने लगोगे और ये पुराने लोग जब आपको मिलेंगे उनसे पूछोगे बहुत सारी बातों को बताएंगे, लेकिन आज मुख्य रूप से आपको विश्वास करने की जरूरत है कि जैसे बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में तो विश्वास के साथ जाता है, कोचिंग करने बच्चा जाता है, कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है तो विश्वास के साथ जाता है कि ये मास्टर जी हमको पढ़ा ले जाएंगे, कोचिंग में हम पास हो जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएंगे, यानी वो विश्वास के साथ जाता है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कोई जाता है तो विश्वास के साथ जाता है कि ये डॉक्टर साहब हमको स्वस्थ कर देंगे, हमारा मर्ज दूर कर देंगे। तो एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो प्रेमियों एक बार आप विश्वास करोगे कि ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, प्रभु का है, इस समय मददगार है, तो ये जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा। और आप ही कि नहीं, कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। अब आप समझो प्रेमियों कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब मैंने बताया लोगों को बोलने के लिए अपने घरों में, और एक घंटा जब प्रेमी बोलने लग गए सुबह शाम, तो बीमारियों में बड़ी कमी आ गई, लड़ाई झगड़ा भी बोले बहुत कम हो गया, हर तरह से फायदा लाभ दिखने लग गया। जब मैंने बताया कि जब भोजन बना लो बच्चियों और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके उसको प्रसाद बना करके खाओ और खिलाओ, और ऐसा जब खाने खिलाने लगे तो भी तकलीफों में बहुत राहत हो गया, बीमारियों में राहत हो गया। यही मन जो
नहीं मानता था, ज्यादा खिला देता था, बार बार किसी चीज को कहता था यही चीज बनाओ जो नुकसान करने वाली थी, उधर से धीरे धीरे हटने लग गया। क्योंकि प्रसाद को कोई ये देखता है कि कैसा बना है, कि प्रसाद को ये कहता है कि भरपेट खिलाओ, प्रसाद को कहता थोड़ा सा प्रसाद दे दो, तो भाव ही खास चीज होती है, भाव से ही भक्ति होती है। देखो भाव ही अनिद्रोपदी के खराब हुए थे, सुपच के प्रति तो घंटा नहीं बजा था, आप लोग तो धार्मिक स्थान पर रहते हो, भाव ही तो मुख्य चीज है, भाव ही तो उसका दूसरा रहा, किसका द्रौपदी का, जब क्षीर हरण के समय पर चिल्लाई थी और कृष्ण भगवान आए थे और राज बचाई थी, तो देखा उसने कि खून निकल रहा है पैर से, पलट करके देखा कांटे चुभे हुए थे, बोली प्रभु आप जूता नहीं पहने और यहां पर आप ऐसे नंगे पैर द्वारिका से चल करके आ गए, तो प्रभु आप वहीं क्यों नहीं प्रकट हुए, लोग कहते हैं कि कृष्णांतर्यामी हैं, जहां याद करो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तब कृष्ण ने ही कहा कि द्रौपदी तूने ही तो कहा द्वारिकाधीश बचाओ, द्वारिकाधीश बचाओ, द्वारिकाधीश बचाओ, तूने ही तो मुझको राजा समझा और द्वारिका से बुलाया, तू अगर कहती यहीं प्रकट हो जाओ तो मैं यहीं प्रकट हो जाता। तो भाव खास चीज होती है, भाव से ही प्रेम, भाव से ही भक्ति, भाव पूर्ण भोजन किया जाए, भाव पूर्ण बनाया जाए तो वही फलदायी होता है, वही सुखदायी होता है, वही स्वादिष्ट होता है। तो अब आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अगर बोलने लग जाओगे, घरों में बुलवाने लग जाओगे बच्चों को, तो बहुत फायदा दिखेगा। तो जो नए लोग आए हो आपको बताऊंगा कैसे बोलोगे, कैसे बुलवाओगे लोगों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोग बोलिएगा और बुलवाइएगा। तो यह तो रहा वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला नाम, लिखन लिखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गाया लिखा है। तो आप लोग धार्मिक स्थान पर रहते हो, यहाँ दीक्षा मंत्र देने वाले लोग आते होंगे, तो वो क्या करते हैं, लोटा धोती लंगोटी अनाज बहुत सारा सामान पहले ही मंगवा लेते हैं, कहते हैं ये दक्षिणा देना है आपको, दक्षिणा पहले ले आओ। तो दक्षिणा देने की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही, उसको नहीं खत्म करना चाहता हूं। आज आपको मौका है दक्षिणा देने का, लेकिन देना क्या है आपको, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, सबसे बड़ी आपकी यही होगी दक्षिणा। अब आज से मांस मत खाना जो खाते हो, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून, उनका मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है अंडा बन जाता है, कितनी गंदी चीज है, अब मत खाना। जीव हत्या होती है, अंडा के अंदर भी जीव होता है, वही जब फट जाता है तो बच्चा निकल आता है, उससे भी जीव हत्या का पाप लगता है। जो जानवरों को मारता है, काटता है, मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से अब बचना, घर में बच्चियों आना नहीं चाहिए, मांस पकड़ना नहीं चाहिए, अंडा आना नहीं चाहिए, मछली आना नहीं चाहिए, नहीं तो कर्मों की सजा मिल जाएगी। इस समय पर तो सजा मिलेगी मिलेगी, शरीर तो रोगी होगा ही होगा, और जीवात्मा जब निकलेगी तो यह सजा भोगने के लिए डाल दी जाएगी। ये अभी आपको नहीं मालूम है, यह विज्ञान आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये जो दृष्टांत है, कथा है, भागवत है, ये इसीलिए सुनाया जाता है कि आपके समझ में बात आ जाए। तो थे ना एक महात्मा जी जा रहे थे, तो मछली पकड़ रहा था और मछली मार रहा था, महात्मा जी का शिष्य था, कहा महाराज जी बहुत जीवों को मार दे रहा है, इसको मार दीजिए, खत्म कर दीजिए इसको,
ये आदमी मर जाएगा तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी। बोले देख मेरा काम ये नहीं है, ये काम तो काल का है, वो देखेगा इसको, तू चल आगे चल। फिर बोला महाराज देखो कैसे छटपट करके ये मछलियां मर रही, अरे तो चल लेकर के आगे चले गए। तो अब आप ये समझो संतों का काम क्या होता है, दया ही होता है, यह काम तो काल करता है। अब काल कर्मों के अनुसार सजा देता है। जब कुछ दिन बीता तो महात्मा जी का वही शिष्य इधर राजस्थान की तरफ जा रहा था, ऊंट वही गिरा पड़ा हुआ था। 15 दिन की थैली होती है पानी की उनके अंदर, एक दिन पानी पी लेते हैं तो 15 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके बाद पानी जब नहीं मिलता है तो बैठ जाता है। जैसे खाना पानी आदमी को न मिले, शरीर कमजोर हो जाएगा, बैठ जाएगा, ऐसे ऊंट गिर जाता है तो लोग छोड़ करके चले जाते हैं, ऊंट को उठा कौन पाएगा। तो सामान ले करके जो ऊंट पर रखे रहते हैं उसको लेकर के फिर चले जाते हैं, ऊंट वहीं पड़ा रह जाता। महात्मा जी पैदल जा रहे थे, इतना सवारी का साधन तो पहले वह नहीं करता था, तो देखा कि पूरा एक हिस्सा उसका ऐसे सड़ गया था। और फिर पलटी खाया तो सड़ा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता था, पहले सड़ गया था पलटी खाया तो दिखाई पड़ रहा था, तो उसमें एक तरफ से कीड़े अन्य समझो कि दिखाई पड़ रहे थे, और जब जब वो कीड़े काटते थे तब वो ऐसे करता था, ऐसे कभी पूछ ऐसे करता था। तो शेरा ने देखा तो कहा गुरु जी इसको मृत्यु दे दीजिए, इसको बहुत कष्ट है, बड़ी तकलीफ है, इस ऊंट को मर जाए तो ये ठीक है। बुड्ढों की सेवा करते करते घर के लोग ही ऊब जाते हैं कि अब ये चले ही जाते तो ठीक था, बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है और रोग हो गया बुढ़ापे में तो बहुत मुश्किल होता है जीवन पार कर पाना। कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है मारने का, तेरे को पहले ही बताया। कहा गुरुजी बड़ा तकलीफ है इसको। बोले देख कर्म प्रधान देश है ये, कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ी। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा मैं अंधा क्यों हो गया। बोले तुम्हारे कर्म खराब थे। कहा 100 जन्मों में तो मैंने ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि जिससे मैं अंधा हो जाऊं। बोले आगे और पिछले जन्मों को देखो, 106 जन्म के पीछे जो पाप बन गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो कहा कि देख, चेले से गुरु जी ने कहा कि देख ये वही मछुआरा है, वो जो मछली वहां पकड़ रहा था मार रहा था मछली, यह अब ऊंट बना। अब जितनी मछलियां थी ये अब सब बदला ले रही, अब ये कीड़े बन गई हैं मछलियां, इस 84 में ये घूम रही है, भ्रमण कर रही है। यही जीवात्मा जब पापियों के शरीर से निकाली जाती है तो यमराज का दूध बेरहमी से खींच करके निकालते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, उस समय आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, तड़पता है रोता है, पकड़ करके ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश कर देते हैं और यमराज सजा बोल देता है कर्मों के अनुसार। कितना हजार वर्ष लेट्रिन के नर्क में, इतना हजार वर्ष पेशाब के नर्क में, इतना हजार वर्ष मवाद के नर्क में, इतना लाख वर्ष इस नर्क में, 42 प्रकार के नर्क हैं, उनमें रहना पड़ता है। वहां से फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू ये 84 लाख जो योनियां हैं इनमें आना पड़ता है, और फिर गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद। तो अब आप ये समझो कि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। तो कहा कि देखो ये कीड़े वही हैं, हनी जो मछलियां थी ये भी अपनी 84 काट रहे हैं, 84 योनि में हैं, लेकिन ये बदला ले रहे हैं। तो ये जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और जो जीव हत्या करता है, खाता है, लाता है, बेचता है, सबको बराबर पाप लगता है, इसलिए इससे सब लोग बचना। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और देखो शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब में। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा तब से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ गया। अगर बंद हो जाए पूर्ण रूप से पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर शराब बंद हो जाए
तो अपराध और भ्रष्टाचार अभी 50% खत्म हो जाए। तो ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे पहचान खत्म हो जाए कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ऐसा नशे का सेवन मत करना। बाकी हजम कर सको तो 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी रोज खा जाओ, हजम कर सको तो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। मेवा खाओ आप, सूखा गीला मेवा फल खाओ आप, बढ़िया से बढ़िया अनाज खाओ, पूरी छूट है आपको। शाकाहारी अन्न फल फूल कुछ भी हो आप, उसका सेवन करो। यही सबसे बड़ी हो गई छोड़ने की। यानी ये सब जो अभी तक खाते पीते रहे इन चीजों को छोड़ने की, यही होगी आपकी दक्षिणा। बुराई अब मत करना। हम लोगों का तो कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो आए हैं आपको बता के जा रहे हैं। करोगे तो आपको फायदा दिखेगा। लेकिन चलने से पहले आपको बता दूं, आज की तारीख में ये 2021 का साल 2020 से ज्यादा खराब जाएगा। हर मामले में तकलीफ देह होगा, लेकिन आप अगर धर्म पर रहोगे, ध्यान भजन करते रहोगे, शाकाहारी नशा मुक्त रहोगे तो तकलीफें तो आएंगी, लेकिन आपके अंदर बर्दाश्त की ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आप बर्दाश्त कर ले जाओगे। इसलिए आप बराबर जो बताया गया है उसी तरह से रहना, उसी तरह से करना। बोलो जय गुरुदेव। बहुत बड़ी दया उस मालिक के गुरु की हम पर, आप पर हुई। देखो प्रेमी से प्रेमी का मिलना ये बड़ा ही सौभाग्य का होता है। कुछ लोग ऐसे दुनिया संसार में 2020 में थे, लेकिन आज वो अभी 21 में नहीं है, दुनिया संसार से चले गए। तो मृत्यु लोग कहा गया, इसमें जितने भी लोग आए सब चले गए, चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, कबीर गोस्वामी जैसे संत रहे हों, जो लोग भी आए, बलवान धनवान प्रतिष्ठावान राजा महाराजा सब चले गए। और आपको भी नए वर्ष में ये आज याद कर लेना चाहिए कि हमको भी जाना है। यही चीज अगर बराबर याद रहेगी तो आप सजग रहोगे, होशियार रहोगे। जब आप मौत को भूल जाते हो तब दुनिया को अपना समझ बैठते हो, दुनिया की चीजों को अपना समझ बैठते हो, इस शरीर को भी अपना समझते हो और इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हो, आत्मा को भूल जाते हो। बार बार सत्संग याद दिलाने पर भी आपको आत्मा के बारे में ख्याल नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले तो आज यही याद करने की जरूरत है कि हमारा शरीर ये जो चल रहा है, हम जो चल फिर रहे हैं, इस पर उस मालिक का शुक्र है, इस पर गुरु की दया है, वो इसको चला रहे हैं। क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि लोगों को मालूम हो जाता था कि हमको कब यह काया कुटी खाली करनी है। काया कुटी का मतलब क्या? यह मनुष्य शरीर जो किराए के मकान की तरह से उस मालिक ने, परमात्मा ने दिया है, इसको हमको कब खाली करना है। पहले के समय में यानी सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र लोगों की होती थी और उसको पूरा करके और तब जाते थे। उनको भी अंदाजा रहता था
कि अभी 90,000 ही वर्ष हुआ है, अभी तो आप समझो कि हमको शत्रुओं में रहना है, ये जानकारी हो जाती थी। अपनी उम्र की जानकारी लोगों को हो जाती थी। कहने का मतलब यह है, शत्रु के 1,00,000 वर्ष की उम्र में लोगों को बहुत समय मिलता था जीने का, कर्म भी लोगों के अच्छे रहते थे, अपनी आत्मा को लोग जगाते थे, शरीर के सुख को अन्य समय लोग वो सुख नहीं मानते थे, आत्म सुख को लोग सुख मानते थे। उस समय लोगों को पता भी चल जाता था कि अब हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग अपनी इच्छा अनुसार भी शरीर को छोड़ देते थे। आप समझो त्रेता द्वापर में भी ये बात जो आज की तरह से है वो नहीं थी, लेकिन इस समय पर तो सारा अधिकार हमने आपने उसी को दे दिया अपने जीवन का, कि जिसने इस मनुष्य शरीर को आपको दिया है, आपके हाथ में कोई अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि वो विद्या आपने छोड़ दी। जिसकी जानकारी होती थी कि हम जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे, जब हमारा समय आएगा तब हम शरीर छोड़ेंगे, उस विद्या के पढ़ने के बजाय, आत्म विद्या पढ़ने के बजाय भौतिक विद्या को पढ़ने लग गए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और तमाम देशों की जो ये विद्याएं हैं उसका ज्ञान करने लग गए, उसमें विकास करने लग गए। लेकिन ये विकास जो दुनियावी विकास है, ये एक दिन विनाश का कारण बन जाता है। विनाश किसको कहते हैं? खत्म हो जाने को विनाश कहते हैं। कहते खानदान में एक भी नहीं बचा, सब चले गए, विनाश हो गया, कुल खानदान खत्म हो गया, विनाश हो गया। तो विनाश, ये विकास विनाश है, लेकिन जो आत्मिक विकास है वो विनाश नहीं है, वो विकास है। आप ये समझो, आप पुराने लोग यहाँ बैठे हो, कुछ लोग आप साधना करते हो और आगे बढ़ते हो, अंतर में आपकी तरक्की होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आगे बढ़ते हैं, पहुंचा हुआ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी ही दूर तक कम से कम चढ़ाई तो करते हैं, थोड़ी दूर तक चलते तो हैं जो रास्ता बताया गया। तो जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको इस चीज की जानकारी होती है कि हम विकास कर रहे हैं, अपनी जीवात्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, और यह भी विश्वास हो जाता है कि रास्ता सही है जो गुरु ने बताया था कि भाई तुम आगे बढ़ो और इस तरह से तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, तुम अपने देश, अपने घर मालिक के पास पहुंच जाओगे, जहां से धर्म लोक में उतारे गए हो। तो उनको विश्वास हो जाता है। मोटे तौर से मैं आपको बताऊं, कैसे यहां से आपको स्टेशन जाना है, और बता दिया गया भाई सीधे आश्रम से निकलो, बाएं हाथ के तरफ मुड़ जाओ, फिर बाबा जयगुरुदेव चौराहा आएगा, वहां से दाहिने मुड़ जाना और तुम स्टेशन पहुंच जाओगे। अब जब चलना आप शुरू कर दोगे और बता दिया जाएगा कि भाई इस तरह से दोनों तरफ जंगल है, इस तरह से बोर्ड लगा हुआ मिलेगा बाबा जयगुरुदेव चौराहा, इस तरह से आप दाहिने मुड़ोगे, वो चीजें जब दिखाई पड़ने लग जाएंगी, मिलने लग जाएंगी, तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो देखो प्रेमियों, जब दया होती है तभी सत्संग मिलता है, तभी स्पर्श होता है, तभी प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं। अच्छे काम करने के लिए जो अवसर मौका मिलता है, परमार्थ कमाने के लिए, चाहे शरीर के लिए परमार्थ हो और चाहे आत्मा के लिए परमार्थ हो, जब मौका जीवन में मिलता है तो उस पर उस मालिक की दया मेहरबानी समझना चाहिए।
उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो बड़ी दया हुई कि नए वर्ष को देखने को हम लोगों को मिला। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जितने लोग बैठे हो अगला वर्ष 2022 देखोगे ही, समय पूरा हो जाएगा और चला जाना पड़ेगा, मजबूरन खाली करना पड़ता है। जो 60 साल 70 साल 80 साल से जीवात्मा शरीर के अंदर रहती है, यानी अपना घर बना लेती है, वो जीवात्मा जल्दी निकलना नहीं चाहती है, प्राण जल्दी निकलना नहीं चाहते हैं। तो समय पूरा हो जाने पर जबरदस्ती यानी खाली कराने के लिए यमराज के दूतों को आना पड़ता है, तो जबरदस्ती खाली कराते हैं, मार मार करके खाली कराते हैं। तो खाली तो करना ही पड़ता है। अब यही चीज अगर नए वर्ष में याद हो जाए कि भाई हमको मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए मिला, जिस तरह से राजा महाराजा ऐश आराम करके चले गए उस तरह से मिला, उस काम के लिए मिला, या अन्य समझ लो कि अन्य लोग आए वो चले गए गृहस्थी पाल करके उस लिए मिला, या अन्य भजन करके अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला। तो जब बार बार सत्संग में बताया जाता है कि मनुष्य शरीर यह जो आपको मिला अनमोल है, इसके लिए देवता तरसते हैं और इससे कर कुछ काम, इससे कुछ अपना काम कर, दूसरों के लिए करने में जो लगा हुआ है, धन रुपया पैसा इकट्ठा करने में, घर मकान बनाने में, गाड़ी घोड़ा खरीदने में, जब तेरा समय पूरा हो जाएगा तो तुझको इसको छोड़ देना पड़ेगा दूसरे के लिए, घर में दूसरा रहेगा, गाड़ी पर दूसरा चढ़ेगा, तो आप ये समझो कि ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई अपना काम नहीं है, अपना काम हमको करना चाहिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला है तो जीवात्मा का कल्याण करना चाहिए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंदेरो पाड़ेंगे तो निदान क्या होगा, दाया के निदान का विधान क्या होगा, अब फोट पाड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले, यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।